अभी हम बात कर रहे हैं अमीन पटेल से, जो 186 मोहम्मद देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से तीसरी बार हैट्रिक बनाया उन्होंने, और अभी अभी वो हमसे मिल रहे हैं। अमीन भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आप क्या बोलना चाहोगे? मैं सबसे पहले तमाम आपके व्यूअर्स हैं, मोहम्मद देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, उनको दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ कि जो विश्वास, जो प्यार, जो सपोर्ट उन्होंने मुझको इस कैंपेन में दिया और जो वोट दे के दिया है, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो विश्वास और जो भरोसा उन्होंने मुझ पर रखा है, आने वाले 5 सालों में उनका हर वो काम जो उनके इलाके के लिए है, मैं ज़रूर इंशाल्लाह करूँगा उसको। अच्छा, ये बताइए, आपने जो मैनिफेस्टो किया दिया था जो कांग्रेस की तरफ से, तो उस मैनिफेस्टो को आप कब से इम्प्लीमेंट करोगे, खासकर 186? इलेक्शन ख़त्म हो के 2 दिन हो गया, और मैं इलेक्शन का वोटिंग होने के दूसरे दिन से ऑफिस में बैठकर काम कर रहा हूँ लोगों के लिए, और काम एक दिन का नहीं होता है, डेली का काम होता है। और हम रोज़ यहाँ पर बैठ करके हर वो व्यक्ति जो हमारे पास आएगा और जिसका काम हमको पता चले, हम उसका काम करेंगे। अच्छा, मुझे एक बहुत बहुत पब्लिक का सवाल है, ये एक बहुत अच्छा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो पब्लिक कह रही थी कि पोर्ट होल्स, तो आपने शायद कहीं ये अपने जिक्र भी किया था कहीं पोर्ट होल्स के बारे में, तो ये क्या 186 पोर्ट होल्स फ्री होगा आने वाले बारिश में? देखिए, पोर्ट होल्स फ्री करना मुंबई महानगर पालिका का काम है, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो रोड्स की हालत जो ख़राब है, उस रोड्स को नए बनाए जाए। कोशिश यही रहेगी कि मुंबा देवी असेंबली के अंदर जो जो रोड्स डैमेज है, उन रोड्स को फौरन अच्छा बनाया जाए। अच्छा, मैं एक बात सवाल ये करना चाहता हूँ, म्हाडा, जैसे म्हाडा की जो बहुत सारी बिल्डिंग यहाँ पर है, सेस बिल्डिंग, तो उनका रिपेयरिंग वर्क जो कम हो रहा है, जैसे फंड नहीं आता है, तो उसके बारे में अमीन भाई क्या बताओगे? मेरी कोशिश रहेगी कि जब हमारी गवर्नमेंट थी, जब मैंने गवर्नमेंट से मांग किया था कि 200 करोड़ रुपया म्हाडा की पुरानी बिल्डिंगों को बना के देना चाहिए, अभी भी मेरी गवर्नमेंट से यही मांग रहेंगी कि आने वाले दिनों में हर साल का 200 करोड़ रुपया रिपेयर्स के लिए म्हाडा ने खर्च करना चाहिए। आखिरी सवाल है, आप अपने जीत का जश्न कैसे मनाओगे और क्या क्या संदेश दोगे आप 186 मुंबई देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो आपके वोटर्स हैं? सबसे पहले जैसा मैंने शुक्रिया अदा किया, और उसके बाद में मेरा जीत का जश्न जो है वो लोगों का काम करके मनाया जाएगा, कि आने वाले दिनों में लोगों का काम करेंगे, वही मेरे जीत का जश्न होगा। और लोगों को यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आपका कोई भी काम हो, आपके माध्यम से मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरी ऑफिस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, किसी भी तरह का मेरे लिए काम हो तो प्लीज़ मेरे पास आइए, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि अमीन पटेल साहब ने हमें ऑन कैमरा बोला है कि जो भी अगर 186 में जो भी परेशानी पब्लिक को हो, इनका ऑफिस 24 घंटे खुला है, कोई भी आगे इनसे संपर्क कर सकता है। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।